تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم 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 तुमने वो ग्रुप में मैसेज पढ़ा? हाँ यार, मैंने तो कल रात को ही पढ़ लिया था। पता है अब क्या करना है? मेरे ख्याल में तो बड़े को देना कॉल करके ना मनाना पड़ेगा। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना लगाओ भाई। अच्छा चलो, तो तुम्हें बता दो कुछ। एक काम करते हैं, सबके घर ढोल वालों के कपड़े पहन कर जाते हैं और ईदी लेते हैं। ढोल बन लेगा, दुकानें बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है। दराज से ऑर्डर करें। दराज से? फिर तो ईद का ज्यादा पहले नहीं आने वाला। दानियाल को कॉल करके पूछ लेते हैं, हो सकता है उसके पास कोई आइडिया हो। अच्छा तुम एक काम करो, दानियाल को भी ग्रुप कॉल में ऐड कर लो। तुमने कल वाला मैसेज तो पढ़ ही लिया होगा। हाँ तो पूछना ये है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है। कौन सा आइडिया भाई? ईद निकालने का आइडिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे पास वैसे एक आइडिया है। मेरा एक दोस्त है जो बैंक अकाउंट हैक करता है। वैसे बस कर दो, चोर नहीं बनना मुझे। ये चोरी नहीं, हमारा हक है और हमारा हक मारा जा रहा है। वैसे ही तुम्हें ही सबसे ज्यादा पैसे चाहिए हैं यहाँ पर। तो क्या बात करें उससे? एक काम करो, उसे भी कॉल में ऐड कर दो। अच्छा एक मिनट रुको। हाँ ऐड कर लिया मुझे। यार मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। वो ये मेरे कजन है और यार वो मुझे असल में एक बैंक अकाउंट से कुछ पैसे वगैरह निकलवाने हैं। बस ये बता दो कितने निकलवाने हैं और अकाउंट नंबर बता दो, आगे मैं संभाल लूंगा। 10,000 रुपये तक निकलवाना है और बैंक अकाउंट नंबर है। अच्छा इतना सही है, 2 घंटे बाद कांटेक्ट कर लेना मुझसे, बता दूंगा तुम लोगों को। Many hours later. यार दानियाल उसे कॉल करो, उसने 2 घंटे का बोला था, अब तो 3 घंटे हो चुके हैं। यार मैं तो खुद उसको 1 घंटे से कॉल कर रहा हूँ। कहीं वो अकाउंट लूट कर अपने पास पैसे ना रख ले। नहीं नहीं यार, ऐसा इंसान नहीं हो, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मामू का मैसेज आया।